लालबरा से लगभग 4 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत मोहगांव बोरी के अंतर्गत आने वाली ग्राम मंदिर टोला पहुंच मार्ग बरसात के दिनों में कीचड़ नुमा होने के साथ ही खराब हो चुकी है। इसके कारण आने जाने में खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और मार्ग के खस्ता हाल के चलते एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाने से उपचार में देरी होने के कारण मंगलवार को 45 वर्षीय महिला गीता बिटले की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 26 जुलाई को मंदिर टोला निवासी 45 वर्षीय गीता बिटले की अचानक तबीयत खराब हो जाने पर अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस मकान तक नहीं पहुंच पाई। परिजनों के द्वारा सड़क पर खड़ी एम्बुलेंस तक महिला को लाया गया, लेकिन इन सब में देरी हो गई। इस कारण अस्पताल जाते ही महिला की मौत हो गई। खराब सड़क की वजह से मौत के बाद महिला को घर तक लाना भी मुश्किल हो गया। मार्ग में कीचड़ होने के कारण मकान से 500 मीटर दूर ही एम्बुलेंस कीचड़ में फंस गई। इस दौरान ग्रामीण जनों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, परंतु एम्बुलेंस मृत महिला के शव को लेकर घर तक नहीं पहुंच पाई। ऐसी स्थिति में दूसरे वाहन से शव को लेकर गए एवं 27 जुलाई को भी कीचड़नुमा सड़क से महिला का शव का अंतिम संस्कार के लिए लेकर आया गया। इस दौरान ग्रामीण जन व रिश्तेदारों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा। मंदिर टोला मोहगा बोरी के ग्रामीण जनों ने शासन प्रशासन से मंदिर टोला से बरघाट पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य करवाने की मांग की गई है। ये रोड मंदिर टोला से बरघाट मिलती है, जो हाईवे में मिलती है। ये रोड क्या स्थिति है? रोड स्थिति ये है कि पिछले कई सालों से मतलब रोड की समस्या है। रोड बरसात पानी में आने जाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कल रात ऐसा दुर्घटना घटा है कि एक लेडीज को बीमार पड़ गई थी, जो कि उनको लाने ले जाने में बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। क्या उनकी डेथ हो गई थी? क्या वो डॉक्टर के पास समय पे ना पहुंचने के कारण उनका डेथ हो चुका है। और वो एम्बुलेंस जब उसके घर तक उस मृत महिला को ले जाने में असमर्थ रह गए वो एम्बुलेंस। जैसे मान लीजिए कि डॉक्टर के पास आप लेके जाते, लेट किस वजह से हुई? रोड की वजह से हुई क्या? लेट तो रोड की वजह से हुई है, क्योंकि रोड अच्छी कंडीशन में रहती तो वो समय पे डॉक्टर के पास में चले जाती है। अच्छा, रोड खराब होने की वजह से? हाँ, रोड का कंडीशन बहुत खराब होने की वजह से ही वो लेडीज एक्सपायर हुई है। जैसे कल जब उसकी बॉडी लेके आए तो फिर एम्बुलेंस घर तक पहुंची क्या? फिर कैसे? नहीं, एम्बुलेंस वो ड्राइवर ने साफ मना कर दिया था कि एम्बुलेंस यहाँ से नहीं जा सकती, क्योंकि रोड की हालत ही वैसी बहुत खराब थी और बारिश पानी का समय था। फिर कैसे करें? फिर उसके बाद में फिर वो एक मेटाडोल को बुलवाकर उस मृत लेडीज को उनके घर तक पहुँचाया गया। फिर जैसे अभी शव कैसे लेके जाएंगे? अब वही मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अब जैसे तैसे गिरते पड़ते तो ले जाना ही पड़ेगा यहाँ से। दिक्कत ये हो रही है कि यहाँ पे इससे पहले एक महिला की तबीयत खराब थी और दिक्कत ये हुई कि यहाँ कोई एम्बुलेंस नहीं जा पा रही थी। दिक्कत इस वजह से बहुत ज़्यादा आ रही थी, रात में भी यही दिक्कत हुई। फिर हमने सहारा लिया पिकअप विकअप का, फिर लेके गए यहाँ से मृत आत्मा को। अब यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी है ये पूरी रोड, वैसी गड्ढे वड्ढे वाली है। कई बार हमने सरपंच को कहा, अभी फिर न्यू सरपंच को कहा तो वो भी बोल रहे हैं यही करवा देंगे, कोई ध्यान ही नहीं देता इस रोड के पक्ष। मैंने लंबे समय से समस्या जूझ रहे हैं। बहुत लंबे समय से है। जैसे मान लीजिए कि अभी तो ठीक है, अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती बीच में या कहीं रात के समय कुछ जाता तो उस समय भी दिक्कत जाती है? बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है। रात में तो हम गिरते पड़ते पानी में लेके गए जैसे तैसे, और कुछ बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं जिनको ले जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। स्कूली बच्चे स्कूल जा पाते हैं? नहीं जा पाते यहाँ से, उनके माँ बाप लोग कंधे में बिठाल के लाके यहाँ छोड़ते हैं मेन रोड तक। तो क्या मांग करना चाहेंगे आप? मांग तो यही करना चाहेंगे कि बस रोड बन जाए और ज़्यादा कुछ नहीं, बस गड्ढे वड्ढे या फिर अभी सहारे के लिए कुछ और डलवा दे, यहाँ गिट्टी विट्टी रेत वेत जो भी है। तो आवागमन चालू। नव निर्वाचित सरपंच दुर्गा सिंह मारे ने बताया कि शपथ ग्रहण होने के बाद बैठक आयोजित कर मंदिर टोला से बरघाट पहुंच सड़क का निर्माण करवाने के लिए प्रस्ताव तैयार कर राशि स्वीकृत होने पर सीमेंटीकरण सड़क का निर्माण कार्य किया जाएगा।